हेलो जी स्टूडेंट्स, टुडे विल सी द इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसको हम देख रहे हैं, सो दैट व्हेन वी परफॉर्म द जनरल एंट्रीज, जब हम जनरल एंट्रीज देखेंगे वी विल नॉट हैव एनी ऑफ द कंफ्यूजन। सो लेट सी व्हाट इज द टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म इज गिवन इश्यू एट पार। व्हाट डज दिस मीन? वैसे पार का मतलब होता है इक्वल, बराबर। व्हाट डज हियर इश्यू एट पार मीन्स? इट मीन्स द प्राइस ऑफ शेयर इज जस्ट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जो प्राइस है शेयर का वो उसकी फेस वैल्यू के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100 एंड द कंपनी इशूड टू द पब्लिक इज फॉर ₹100। इट इज सेट टू बी इशूड एट पार। फेस वैल्यू मतलब कि एक्चुअली कॉस्ट कितनी है शेयर की। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में कॉस्ट कितनी दी हुई है, ₹100, एंड कंपनी ने इशू कितने में किया है उसको, at the same price of ₹100. When both of this are same, we say it as issued at par. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और next term देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। It is been given issued at premium. What does this issued at premium means? It means price of share is more than the face value of share. जो share की price है वो उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे इश्यू एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100 एंड द कंपनी इशू टू द पब्लिक इज फॉर ₹120। इट इज सेट टू बी इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, कितनी हो गई हमारी, अगर हमने अज्यूम किया है ₹100 कॉस्ट और द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है, बट कंपनी ने इशू कितने में किया है, 100 वाली चीज ₹120 में जो है इशू किया है। Why it has been so that ₹100 का शेयर जो है 120 में कोई परचेस कर लेगा, क्या रीजन होगा उसके पीछे? Definitely the goodwill of that company will be very nice, that's why. कंपनी की गुडविल अच्छी होगी, रेपुटेशन अच्छी होगी, तो ही कोई जो है कंपनी का शेयर जो है ₹100 का शेयर जो है 120 में खरीद लेगा। कोई चीज हमें अच्छी मिलती है तो हम उसके लिए ज्यादा पैसा देने के लिए भी रेडी रहते हैं। सो सेम इट इज हियर, इशू एट प्रीमियम। ठीक है, तो ये 120 पे इशू हुआ है, 100 से ज्यादा पे हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इशू एट प्रीमियम। अब इसमें जो ₹100 है ये तो हो गई उसकी कॉस्ट, और ₹20 जो है वो क्या हो गया, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, सो लेट्स, यहाँ पे अगर ऐसा होता कि हमारे शेयर की वैल्यू जो है 105 हो गई, देन इट इज ऑल्सो मोर देन 5, देन ₹5 विल बी द प्रीमियम अमाउंट एंड 100 इज द फेस वैल्यू। ओके, now let's move further and see what is the other term, issue at discount. Issue at discount, what does this mean, issue at discount? When the price of share is less than the face value of share, jab share ki price jo hai uski face value se kam ho, tab usko hum bolte hain shares issued at discount. It means koi cheez jiski cost ₹100 hai wo hame usse kam mein mil rahi hai, तो उसे हम बोलेंगे इश्यूड एट डिस्काउंट। एज द एग्जाम्पल इज गिवन, व्हाट द एग्जाम्पल इज सेइंग, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100, ओके, एंड कंपनी इश्यूड टू द पब्लिक इज फॉर ₹90। कंपनी ने कितने में इशू किया है, ₹90 में, सो इट इज सेट टू बी इश्यूड एट डिस्काउंट। बट स्टूडेंट्स, हियर इज एन एक्सेप्शन, the note is given for that. Let's see what is been there. According to Companies Act 2013, share cannot be issued at discount. Share ko hum discount pe issue nahi kar sakte hain. Exception is here, section 54, issue of sweat equity shares. Sweat equity shares agar hain to hum usko discount pe issue kar sakte hain, otherwise hum shares ko discount pe issue nahi kar sakte hain. ठीक है, इफ एनी कंपनी अदर देन दिस 54 के अलावा अगर ऐसे कुछ करती है, शेयर्स एट डिस्काउंट, इश्यूज शेयर्स एट डिस्काउंट शैल बी पनिशेबल। पनिशेबल हो सकता है बाय वे ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, एंड देयर इज अ पेनल्टी, और उसके लिए अमाउंट भी मेंशनड है, बट हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू सी ओनली दैट शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट इज बीन नॉट डन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो हमें नहीं देखना है अभी। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, अब फिर शेयर्स इश्यूड एट पार एंड प्रीमियम, और अगर ऐसी कोई कंपनी करती है देन इट विल बी पनिशेबल। ओके, सो दिस इज द टर्म्स हैड बीन क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव फर्दर
एंड सी द टर्म्स शेयर कैन बी इशूड, किस तरीके से शेयर्स को इशू किया जा सकता है. ओके, द शेयर कैन बी इशूड इन टू फॉर्म्स, लमसम एंड इंस्टॉलमेंट. व्हाट डज दिस मीन? लमसम का मतलब क्या होता है? एक साथ, है ना. इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है इन पार्ट्स. एज वी विल सी दैट कंपनी के शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज. अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो इस 100 रुपीज को एक ही बार में पब्लिक से कलेक्ट कर ले, उसे हम बोलेंगे रिसीव्ड इन लमसम. कंपनी ने एक ही बार में 100 रुपीज शेयर की कॉस्ट थी, पूरा का पूरा एक ही बार में शेयर को बुलवा लिया, ठीक है, शेयर का अमाउंट बुलवा लिया. सो इट इज सेट टू बी इशूड इन लमसम. लेकिन दूसरा ऑप्शन है कंपनी के पास कि कंपनी क्या कर सकती है, इस 100 रुपीज को जो है पार्ट्स में बुलवा ले. ऐसे किस तरीके से पार्ट्स में? 20 रुपीज हो सकता है पहले बुलवा ले, देन इट मे कॉल 30 रुपीज, देन इट मे कॉल 50 रुपीज. इस तरीके से भी तो कंपनी पार्ट्स में बुलवा सकती है थोड़े थोड़े करके. सो इट इज सेट टू बी, जब इस तरीके से बुलवाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर कैन बी इशूड इन इंस्टॉलमेंट. ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है और दोनों कंडीशन में पार और प्रीमियम का केस हो सकता है. हो सकता है 100 रुपीज को हमने एक साथ बुलवा लिया हो, ऐसा भी हो सकता है 120 को हमने एक साथ बुलवा लिया हो एक ही बार में, ऐसा हो सकता है 100 को हमने पोर्शन में बुलवाया हो पार्ट्स में, एंड 120 को हमने पार्ट्स में बुलवाया हो, उसे हम बोलेंगे प्रीमियम. ठीक है, डिस्काउंट हमें करना नहीं है बिकॉज फ्रॉम अमेंडमेंट्स ऑफ कंपनी 2013, पहले इशू होता था डिस्काउंट पे, बट आफ्टर द अमेंडमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिस्काउंट पे इशू होना बंद हो गया है शेयर्स का. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ एज वी हैव अंडरस्टूड द टर्म्स, सो लेट अस सी वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन लमसम एट पार. हमें लमसम का पार की कंडीशन में क्वेश्चन फ्रेम है, हम पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को. ए बी लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 80,000 इक्विटी शेयर्स. कितने शेयर्स हैं? 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ओके, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन. पूरा का पूरा अमाउंट कैसे पे करना था उन्हें? एप्लीकेशन के समय होल्डर्स को. द होल अमाउंट इज ड्यूली रिसीव्ड, और पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव भी हो गया है. पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, वी हैव टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द क्वेश्चन. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई. अब क्या है कि पूरा का पूरा अमाउंट हमें एक ही बार में रिसीव हो रहा है, सो हमारे पास शेयर्स कितने हैं? लेट अस राइट नंबर ऑफ शेयर्स. वी हैव गॉट 80,000. पूरा का पूरा अमाउंट जो है हमें साथ में रिसीव हो रहा है, यानी एक शेयर की वैल्यू है 10, तो हमें टोटल कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा? ₹8 लाख. ओके, और हमें साथ में हो गया, यानी एक बार जो है हमारे पास अमाउंट आएगा, देन एक जनरल एंट्री हो जाएगी रिसीव की, और दूसरी एंट्री जो होगी, जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है उसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. ओके, सो वी विल सी द जनरल एंट्रीज. अमाउंट समझ में आ गया आपको? 8 लाख रुपीज जो है हम ट्रांसफर करेंगे. अब हम इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं. ओके, लेट सी द जनरल एंट्रीज. पहली एंट्री क्या हो जाएगी? द फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी. इक्विटी टाइप के शेयर्स थे इसलिए हमने नाम मेंशन किया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. एप्लीकेशन क्यों मेंशन किया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन ने मेंशन किया कि पूरा का पूरा अमाउंट उन्हें एप्लीकेशन में ही रिसीव हो गया. ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हुआ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन. क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि पूरा का पूरा अमाउंट हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट में रिसीव हो गया, तो हम वो चीज मेंशन करेंगे. बोथ आर करेक्ट. ओके, दिस इज अवर फर्स्ट एंट्री. नाउ विल सी आवर सेकेंड एंट्री. सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर, ओके, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. ओके,
as you can't see here. Okay. Equity share application account debit to equity share कैपिटल अकाउंट. ये क्या किया हमने, पहले हमें रिसीव की एंट्री हुई, हमें अमाउंट रिसीव हुआ है तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट, कैश कम्स और बैंक अकाउंट इज इंक्रीजेस, एसेट जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. किस रीजन से आ रहा है अमाउंट हमें, शेयर एप्लीकेशन, इट इज जस्ट अ टेम्पररी अकाउंट. वहीं हमने क्या किया है, इस टेम्पररी अकाउंट को क्लोज किया है, इसको क्रेडिट किया था, अल्टीमेटली इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके, ये हम यहाँ पे बेसिक कवर कर रहे हैं इसलिए हम दो एंट्रीज कर रहे हैं. हम एक कॉन्ट्रा एंट्री भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, लेकिन हमें बेस पकड़ना है तो हम इस तरीके से उसको समझते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में आपको? और कितना अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, हमने निकाला था अमाउंट 8 लाख. ठीक है, अब इसको हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं इन द प्रॉपर फॉर्मेटिंग. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक प्रॉपर फॉर्मेट एज द मार्किंग इज ऑल्सो बीन गिवन ऑन दैट. देर इज अ कॉलम ऑफ डेट पर्टिकुलर, जैसे हम 11th में बनाते थे, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट कॉलम. ओके, पहली एंट्री हमने देखी क्या था, बैंक अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. आई टोल्ड वी कैन राइट बोथ द थिंग्स विद द अमाउंट 8 लाख रुपीज एंड हियर ऑल्सो 8 लाख. आया समझ में? अब हम इसका नरेशन पुट अप करेंगे. बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर रिसीव्ड इन लमसम, पूरा का पूरा अमाउंट हमें एक ही बार में रिसीव हो गया. ठीक है, नरेशन क्या है, एक शॉर्ट समरी है. आप चाहो तो इसमें और ज्यादा इंक्रीज करना चाहो तो आप क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर रिसीव्ड इन लमसम फॉर रुपीज फॉर 80,000 शेयर्स. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुई है. ओके, द नेक्स्ट एंट्री, व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री, वी गॉट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. व्हाट इज द अमाउंट, 8 लाख इज डेबिटेड एंड 8 लाख इज क्रेडिटेड. नरेशन, बीइंग द अमाउंट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जो है ट्रांसफर हो गया है कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, मैंने आपसे यही बोला, हम बेस को ध्यान में रख के दोनों एंट्री कर रहे हैं. अदरवाइज अगर आपको बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट पे कमांड है तो हम जो है इसकी एक कॉन्ट्रा एंट्री भी कर सकते हैं. इट मींस हम जॉइंटली कर सकते हैं उसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने एक टेम्पररी अकाउंट खोला है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जिसको हमने क्रेडिट किया था, बाद में डेबिट कर दिया, इट इज क्लोज्ड. ओके, इट इज वेरी लॉजिकल. ओके, ये हमारा पहला कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ. ठीक है, आपको समझ में आया होगा. ठीक है, दिस आर द एंट्रीज इन फ्रंट ऑफ अस. और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन वर्क ओवर इट. ओके, एनी ऑफ द डाउट्स यू कैन आस्क मी देयर. सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स विद फुल क्लैरिटी. ओके, सो थैंक यू.